हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से अपने काम के साइट पे। तो दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सारे हमने विंडो का पल्ला जितने भी वो हमने कल ही तैयार करके कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अभी जो है हमारा वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो बनाने का काम जो वो बाकी रह गया है। तो चलिए मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ये विंडो का पल्ला जो है हमने कल तैयार करके पूरी से रेडी करके रख लिया है। इस पर हमने पुटिन भी जो है हल्का हल्का सा जगह जगह पे मार दिया अभी, और बाकी है दोस्तों यहाँ पे जो पल्ला इस तरह है, इन सब पे अभी भी पुटिन लगाने का काम जो बाकी रह गया है। तो वो सारे पल्ला का पुटिन लगा के कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है सैंड पेपर मारेंगे। तो हमने पेपर भी जो है लेके यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। और तो इससे पहले जो हम वेंटिलेटर का पल्ला ठीक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपने, ये हमने एक वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो कल ही फिटिंग करके जो है लकड़ी का कील जो है मार के रख लिया था। और अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारे अभी बाकी है, तो यहाँ पे अभी 11 पीस और बाकी है इसका कील मारने के लिए। तो हमने ये सिर्फ अभी जो है ऐसे ही फिटिंग करके रखा हुआ है, इसमें हमने कील मारा नहीं है। तो अभी इसमें लकड़ी का कील मारने वाले हैं। तो लकड़ी का कील भी जो हमने यहाँ पर बना के थोड़ा बहुत रखा हुआ है, देख सकते हैं ये वाला, तो ये हमने थोड़ा बहुत बना के रख लिया। और अभी इस तरफ देखिए ये सारे अभी भी बनाने का काम बाकी है, और भी ज़रूरत है हमें। तो दोस्तों उसके लिए हमने ये देखिए ये लकड़ी को इस तरह से हमने कटिंग करके रखा हुआ है। तो हमने इस तरह से लकड़ी को कटिंग करके जो है इस तरह से छोटे छोटे पीस में बनाकर जो है बना देता बना रहे जो लकड़ी का कील, देख सकते हैं इस तरीके का। तो अगर आप लोगों ने ये लकड़ी कील किस तरह से बना जाता है, अगर इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, तो मैं भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए काम अपना शुरू करते हैं। तो इसको पहले लगा लेते हैं लकड़ी का कील जो है फटाफट से। तो पहले कि हम कील कंप्लीट करते हैं, कील को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कील मारेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये एक पीस वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो फिटिंग कर दिया किल मार के पूरी तरह से। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से जो है फिट हो चुका है। तो आप चलिए वो सारे पीस जितने भी बचा हुआ है वो फटाफट से किल मार के कंप्लीट करते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो ये वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो हमने फाइनली जो है किल मारकर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हूँ। और कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमने इस पर थोड़ा सा हल्का सा रंडा भी मारकर इसके से बराबर कर दिया, जो थोड़ा सा अप डाउन जो रह गया था, तो हमने वो रंडा मार के इसको पूरी तरह से बराबर कर दिया है। तो हमारा वेंटिलेटर का पल्ला भी जो है वो लकड़ी का कील जो है वो लगा के फाइनली पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। और हमारा विंडो का पल्ला तो देख सकते हैं, ये हमने कल ही जो है पूरा कंप्लीट करके रख दिया था यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो और अभी जो है दोस्तों हम अभी ये दरवाज़ा का पल्ला जो है इसके लिए हम तैयार करने वाले हैं। तो ये दरवाज़ा पल्ला भी सब कुछ रेडी है, सिर्फ अभी जो हमें ये जो स्लेट है ये, तो स्लेट का हमें ये साइड का कटिंग करके जो इस पर फिटिंग करना पड़ेगा। तो और साथ ही साथ इसके यहाँ पे साइड भी जो स्लेट लगाने के लिए यहाँ पर एक नाला भी कटिंग करना पड़ेगा होल करके, और रोटर मशीन की मदद से कटिंग करना पड़ेगा इसको। तो चलिए तो स्लेट जो दरवाज़े का वो बनाने का काम जो है वो शुरू करते हैं। करने के लिए पहले सैंड पेपर मार लेंगे इसके ऊपर में। तो हमने ये सैंड पेपर ले लिया दोस्तों, ये 46 नंबर का है। तो चलिए फटाफट से इसको सैंड पेपर पर मार लेते हैं।
दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये दरवाजे का सिलेट का फट्टा जो है वो हमने सैंडपेपर मारकर फाइनली कर दिया है कंप्लीट। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है स्मूथ हो चुका है। तो हमने पहले 46 नंबर का मारा, उसके बाद हमने 120 का मार दिया। तो दोनों मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तो हमने इसके पलट के दोनों साइड भी जो है मारकर पूरे अच्छे कर दिया है कंप्लीट। तो अभी ये दूसरा वाला पीस बाकी है, तो चलिए इसको भी जो है फटाफट से मार लेते हैं। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये दरवाज़ा का सेलेट जो है दोनों का सेलेट का फट्टा जो है दोनों हमने सैंड पेपर मारकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। तो अभी इसको डायरेक्ट हम इसके दरवाज़ा सेलेट में काम ले सकते हैं आराम से। तो अभी हम सिर्फ इसको साइड में कटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन बनाने वाला है इस पर। तो चलिए सबसे पहले ये तो हमारा हो गया है, तो अभी इसके ये जो फ्रेम है इस फ्रेम को भी सैंड पेपर मारकर करते हैं कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है इस सेलेट पर कटिंग करने का काम जो है वो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने इस दरवाजे का फ्रेम को जो है सैंड पेपर मारकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है इसका लुक। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। दोस्तों, हमने सिर्फ एक ही राफ वाला सैंड पेपर वही मारा है, फिर भी बहुत ही फिनिशिंग हो चुका है। और इस तरफ देखिए दूसरा पल्ला, तो उसको भी चलिए फटाफट से सैंड पेपर मारकर करते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने दोनों दरवाजा का फ्रेम जो है सैंड पेपर मारकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट, देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये दरवाज़ा जो है दो पल्ला का होने वाला है, और ये दरवाज़ा का साइज़ जो है वो 3.5 फीट का है, और ऊंचाई जो है वो 6.5 फीट का। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ हो गया। इसके साइड पर जो है स्लेट लगाने के लिए और उसका रबिट कटिंग भी करने का काम जो वो बाकी रह गया है। तो दोस्तों, इससे पहले जो हम इस तरफ देखें, ये हमने ये दरवाज़ा का स्लेट का फट्टा जो है सैंड पेपर मार कर रखा हुआ है, तो इसको कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसका जो सेलेट है हमने ये साइड साइड पर कटिंग कर लिया है। दोस्तों, इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा समय होने वाला था इसलिए। और इसके देखिए यहाँ पर हमने लाइन इस तरह से खींच लगा के रखा हुआ है, तो इसको भी कटिंग करेंगे दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, बिना देरी के ये लाइन जो हमने पेंसिल का दाग जो लगाया हुआ है इसको कटिंग करते हैं, करने काम जो वो शुरू करते हैं। तो इस तरफ भी एक फट्टा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी हमने इसका भी सेलेट का हमने साइड साइड कटिंग कर लिया, और इसका भी जो है दाग लगा कर रख लिया है। दोनों फट्टे का जो हमने सेलेट का फट्टे जो हमने वो दाग लगा कर रेडी करके रख लिया है, ये देखिए। तो अब चलिए बिना देरी के रोटर मशीन की मदद से जो इसके कटिंग करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस पर जो कटर मशीन की मदद से इसके दाग में हमने लाइन लाइन जो है कटिंग करके रख लिया। अभी इस पर जो है रोटर मशीन से हम इसके जो ये बीच वाला वो छोटा पतला 1/2 इंच का लाइन जो है वो निकाल लेते हैं कटिंग करके। और दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने ये फीता से जो है यहाँ निशान लगा रहे हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों, इस पर जो रोटर मशीन से जो है वो कटिंग करने के लिए, तो उससे हमें एक बीट मारना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये जो है दाग लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरह से दाग लगा के जो है अपने हम बीट जो है यहाँ पर लगा कर जो है किल मारेंगे, फिर उसके बाद जो इसके हिसाब में रोटर मशीन से कटिंग करने वाले। तो दोस्तों, बीट मारने के लिए हमने ये देखिए ये बीट ले लिया, तो बीट पर हमने दो छोटा छोटा किल मार कर रख लिया। तो देख सकते हैं इस तरह से बीट जो रख लिया। अभी देखिए रोटर का बीट हमने भी फिटिंग करके रखा हुआ है, तो अब पहले कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से जो है ये कटिंग कर रहे हैं, देखिए। तो इस बीट इसको बीट जो इस तरह से मार के कटिंग करते दोस्त सीधा होता है। अगर बिना बीट मारे हुए अगर डायरेक्ट कटिंग करते तो जो है रोटर मशीन सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसलिए हमने इस तरह से बीट मारते हुए जो है कटिंग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी है अगर इस तरह से बीट मार कर अगर कटिंग करते तो बहुत ही अच्छा से और सीधा अच्छी तरह से हो जाता है कटिंग। देख सकते कितनी आसानी से जो है हो गया, और बहुत ही जल्दी और फटाफट से हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसी तरह से मार्कर पूरी तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं।
दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने रोटर मशीन की मदद से जो ये लाइन इस तरह से कटिंग कर दिया। दोस्तों पहले हमने इसे कटर मशीन से कटिंग किया, देखिए इस तरह से कटर मशीन से कटिंग किया, फिर उसके बाद जो है इस रोटर मशीन की मदद से जो है कटिंग कर दिया। तो चलिए बचा हुआ सारे पीस को जो फटाफट से कटिंग करते हैं। देखो दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये दरवाज़ा का सेलेट जो है वो फाइनली कटिंग करके लगभग कर दिया है कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से है इसका डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। और इसके हमने दूसरे वाला पल्ला का भी जो है हमने वो कटिंग करके रेडी कर लिया, देख सकते हैं ये हमारा कटिंग करके ये भी हो गया है रेडी। तो अभी दोस्तों सिर्फ इस पर यहाँ पर लगाने का जगह जो वो रबिट जो बोलता है वो कटिंग करना बाकी रह गया है। तो दोस्तों आज जो हम अकेले में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, तो देख सकते हैं। तो ये वाला विंडो का पल्ला तो हमने कल ही तैयार करके रेडी कर लिया था, लेकिन आज ये वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो सारे कील मारकर रेडी करके रख लिया है। और उसके बाद ये दरवाजा का सेलेट जो है इसको भी हमने तैयार करके रख लिया है। तो अभी इसी सिर्फ जो है इसके साइड पर दोस्तों यहाँ पर जूरी बोलते हैं और अभी भी बोलते हैं इसको कटिंग करना, वो कटिंग करना बाकी है। कटिंग करने के बाद ही जो ये सेलेट है इस पर यहाँ लगा सकेंगे। तो आज का बस हमारा काम दोस्तों यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।